ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान का भाग्य जुड़ा होता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान की किस्मत खुल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से 3 अशुभ ग्रह जो कि शुभ फल देने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ऐसे अशुभ ग्रह बताए गए हैं जो व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। इंसान की जीवन भर की कमी कमाई उसकी धन दौलत पल भर में नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में लगातार परेशानियाँ लगी रहती हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन ही क्यों ना हो, लेकिन इन 3 अशुभ ग्रहों को शांत रखना आसान नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि कुत्ते को पालने से, कुत्ते की सेवा करने से इन पापी ग्रहों को शांत रखा जाता है। कुत्ता जो मनुष्य का सबसे अच्छा और सबसे वफादार साथी माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये आप भी नहीं जानते, क्योंकि कहा जाता है कि मालिक के ऊपर आने वाली हर विपदा को समय से पहले कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। तो चलिए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कैसे आप पर आई विपदा दूर होती है और कुत्ते की सेवा करने से, काले कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, काले कुत्ते को भैरव की सवारी माना जाता है। कुत्ते को खाना खिलाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को शाम के समय रोटी खिलाने से न केवल व्यक्ति का कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में यदि कोई प्रेत बाधा संकट भी आता है तो वो भी दूर होता है। काले कुत्ते की सेवा करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कई बार इंसान की कुंडली में शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह आ जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कुत्ते को पालने से, कुत्ते की सेवा करने से इन पापी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। कहते हैं कुत्ता मालिक के ऊपर आने वाली हर विपदा को समय से पहले अपने ऊपर ले लेता है। तो आइए जानते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कैसे मालिक पर आई विपदा कुत्ता अपने ऊपर लेता है और कुत्ते की सेवा करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन 3 पापी ग्रहों को शांत करने के लिए तरह तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन कभी कभी किसी की कुंडली में ये 3 पापी ग्रह शांत नहीं होते और ये इंसान को दरिद्रता की ओर ले जाते हैं। जिस किसी की कुंडली में ये 3 ग्रह आ जाए उस व्यक्ति का जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा होता है। लेकिन कहा जाता है कि कुत्ते को पालने से, कुत्ते की सेवा करने से आप इन ग्रहों को शांत रख सकते हैं। कहते हैं कुत्ता पालने से शनि जैसा पापी ग्रह शांत होता है, क्योंकि यदि कुत्ता काले रंग का है तो ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर को किसी भी बुरी तरह की नज़र से बचाता है, क्योंकि पापी ग्रहों का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो हमेशा काले रंग पर रहता है। और यदि आपके घर में कोई काला कुत्ता है तो आपके घर पर शनि की दशा है, राहु की दशा है, तो उसका प्रभाव जो होता है कुत्ता अपने ऊपर लेता है, यानी कि मालिक से पहले शनि की दशा कुत्ते पर पड़ती है। इस तरीके से आपके घर की जो अशुभता है वो धीरे धीरे कम होती है। घर में काला कुत्ता पालने से, काले कुत्ते की सेवा करने से शनि तो प्रसन्न होते ही हैं। इसके लिए यदि कहा भी जाता है कि किसी की कुंडली में यदि शनि दोष है या आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो इन लोगों को कुत्ते की सेवा या कुत्ते को पालना जरूर चाहिए। इन व्यक्ति को शनिवार के दिन तेल से चुपड़ी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर यदि आप कुत्ते को खिला दें तो आपके जीवन में चली आ रही परेशानियाँ, बाधाएँ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसके अलावा रोज़ भी आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। सुबह के समय, शाम के समय काले कुत्ते को एक रोटी खिलाइए। यदि आप रोज़ नहीं खिला सकते तो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी थोड़ा सा गुड़ रखकर ज़रूर खिलाइए। माना जाता है यदि आप काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाते हैं तो आपकी कुंडली से शनि दोष दूर होता है। कुत्ते की सेवा करने से काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न काल भैरव को जब आप प्रसन्न करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी से कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो वो टल जाता है। आगे यदि आपकी कोई संतान है और संतान के सुख में किसी तरीके की बाधा आ रही है या आपको धन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो आपकी धीरे धीरे दूर होने लगती है। कहा जाता है काले कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से आकस्मिक मृत्यु का भय टलता है। काले कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि और केतु या राहु आपको परेशान कर रहे हैं तो उन ग्रहों की शांति के लिए दोस्तों कुत्ते को तेल लगा करके रोटी और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाना शुरू कर दीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि किसी जातक की कुंडली में यदि शनि दोष है तो उसे भी रोज़ घर के बाहर काले कुत्ते को तेल लगी रोटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपके घर में काला कुत्ता है आप उसी को दे रहे हैं, इसके अलावा आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी जो बाहर कुत्ते हैं उनको भी आपको तेल लगी रोटी शनिवार के दिन देनी चाहिए। यदि घर में काले रंग का कुत्ता आपने पाला हुआ है तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी अमावस्या के दिन ज़रूर खिलाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर दिन दोनों समय काले कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि किस्मत जो होती है वो जानवरों से भी जुड़ी होती है। हम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो इनसे भी इंसान की किस्मत बदलती है, इसलिए कुत्ते को रोजाना रोटी ज़रूर खिलाएं। और अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने घर में काले रंग का कुत्ता ज़रूर पालें, आपको संतान सुख मिलने लगेगा। कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले पा रहा है तो सुबह और शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। धीरे धीरे
आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर जो भी मुसीबत है वो कुत्ते के ऊपर आती है, इसलिए कहा जाता है कि कुत्ता अपने मालिक की मुसीबत को अपने ऊपर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।